हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैट यूपीएससी। आज के लेक्चर में हम 2016 के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अगर हम 2016 को एनालाइज करते हैं, अगर रीसेंट देखते हैं जैसे 2022 का प्रीलिम्स या 2021 का प्रीलिम्स, सो हम कहेंगे कि ये जो पास्ट ईयर्स में सबसे ईजी क्वेश्चन आपको 2016 में देखने को मिले थे और जो कि आपको कन्वेंशनल बुक्स में ईजिली मिल जाएंगे। So let's see, कौन कौन से questions आए हुए हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। So let's start। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे वीकली स्केड्यूल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स एमसीक्यूज आपसे डिस्कस की जाती हैं, ऐसे ही मेंस करंट अफेयर्स इशू डिस्कस किए जाते हैं और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज पीवाईक्यूज आपसे डिस्कस किए जाते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले वी विल कवर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द आइटर। आइटर स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। सो इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया। फर्स्ट है, इट कैन यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन। बी है, इट अटेन्ड अ ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन। सी, इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फिशन रिएक्टर्स इन पावर जनरेशन। और इज इट डी, इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। सो यहाँ पर आइटर के बारे में बात की गई है, दैट इज इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। सो यहाँ पर देखिए जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सी की बात करते हैं तो इन्होंने बोला है इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर सैटेलाइट नेविगेशन से तो रिलेटेड ही नहीं था, आइटर वैसे भी न्यूज में काफी ज्यादा रहता है, तो अगर हम आइटर सक्सेसफुल हो जाता है तो इमीडिएट एडवांटेज इंडिया को क्या मिलेगा, दैट इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। सो आंसर आपका क्या बन जाता है, दैट इज बी। सो अगर हम आइटर की बात करते हैं, ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है जो कि आपको न्यूज में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है, विद रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट है, अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। सेकेंड है, एस्ट्रोसैट इज अ 2000 केजी सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आपको बताना है करेक्ट आंसर्स कौन से हैं, वन ओनली, टू ओनली, थ्री, सी है both one and two, or is it D, neither one nor two. So let's see the answer. Answer आपका बन जाता है neither one nor two. यहाँ पर दोनों ही statements गलत हैं। देखिए astrosat की अगर बात करते हैं तो astronomical observatory है और बहुत ज्यादा news में रहती है, इसीलिए ये question पूछा गया था। So अगर हम astrosat के बारे में बात करते हैं तो ये इंडिया की first dedicated multi-wavelength space observatory है। So अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो इंडिया की observatory है, it will be फोर्थ इन स्पेस, सेकेंड नहीं, फोर्थ इन स्पेस आफ्टर हबल, रशिया स्पेक्टरार एंड सुजाकू ऑफ जापान। ठीक है, सो एस्ट्रोसैट क्या है, इसका लिफ्ट ऑफ मास आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 1513 केजी, व्हिच वाज लॉन्च्ड इनटू 650 किलोमीटर्स ऑर्बिट, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 6 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर। सो यहाँ पर आपको जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, वो कितना है, दैट इज 650 किलोमीटर्स फ्रॉम द इक्वेटर, जो जो कि हमें लॉन्च किससे किया है, दैट इज पीएसएलवी C30। अब क्योंकि ये मल्टी वेवलेंथ है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको बहुत सी वेवलेंथ देखने को मिलेंगी, अल्ट्रा वायलेट, ऐसे ही लो और हाई एनर्जी एक्सरे रीजन देखने को मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेंगे। सो यहाँ इसकी वजह से हम जो स्पेस की ऑब्जर्वेशन है वो प्रॉपरली कर पाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, The Mangalyaan launched by ISRO is also known as MORM, that is Mars Orbiter Mission. Second statement आता है, made India the second country to have a spacecraft orbit orbit the Mars after USA. Third है, made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit to the Mars in its very first attempt. So, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, और इज़ डी, वन टू एंड थ्री। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका बन जाता है वन एंड थ्री। सो यहाँ पर इंडिया पहली कंट्री बन जाता है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, इसको मॉम भी कहा जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट। यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला इट इज ओनली सेकेंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट, सो ये गलत हो जाता है अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये जो मॉम मिशन है हमने कब लॉन्च किया था, दैट इज ऑन September 24, 2014. ठीक है, सो इट इज द फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन reached realized by India and first Indian spacecraft to incorporate full scale onboard astronomy to overcome the long distances. So yahan par jo agar hum first Indian spacecraft to successfully survive Van Allen belt crossing 39 times. So aap dekh sakte hain to successful kafi zyada raha hai aur ye hamara first India first ban jata hai jahan par ek interplanetary mission mein हम पहली बार में ही सक्सेसफुल हुए. ठीक है जी, सो आप देख सकते हैं जो स्टेटमेंट टू है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाई बाय कब थी, 1965 में फोर एंटिटीज हैव सक्सेसफुली मेड इट टू देयर. सो इंडिया सेकंड नहीं है, क्या है, फिफ्थ है. डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज रेफर टू लाइफ 5. अगेन ये काफी ज्यादा उस टाइम न्यूज में था इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है. तो अगर हम लाइफ 5 के बारे में पूछते बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट यूजेस लाइट एज द मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन. इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और इज इट डी, नीदर वन नॉर टू. सो लेट्स सी द आंसर. आंसर बन जाता है सी, दोनों ही करेक्ट हैं. अगर हम वाईफाई की बात करते हैं तो वो हमारा जो सॉरी अगर हम लाइफ फाइव की बात करते हैं तो वो क्या यूटिलाइज करता है, लाइट रेस को यूटिलाइज करता है एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन. सो वाई फाई से ये काफी ज्यादा तेज है इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है. तो अगर हम लाइफ फाइव की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लाइट को यूटिलाइज करते हैं फॉर दी कम्युनिकेशन फॉर डेटा ट्रांसमिशन. सो लाइट इज ऑलरेडी यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स and for point-to-point links. But Li-Fi is a special and novel combination of technologies that allow it to be universally adopted for mobile ultra-high-speed internet communications. Then, next question we move to, question number 5. Question number 5 is related to in the context of developments in bioinformatics. So, bioinformatics ke baare mein poocha gaya. So, A statement hai, the term transcriptome, sometimes seen in news, refers to a range of enzymes used in genome editing. B hai, the full range of mRNA molecules expressed by an organism. C hai, the description of the mechanism of gene expression. D hai, a mechanism of genetic mutations taking place in cells. So, aapko batana hai, bioinformatics actually mein aapki define, kaun si statement sabse perfectly isko define karti. So let's see the answer. Answer बन जाता है आपका B, जहां पर हम यहाँ पर full range of mRNA molecules expressed by an organism की बात करते हैं. उसी terminology को कहा जाता है bioinformatics. Information लेने के लिए हम क्या utilize कर रहे हैं, उसके mRNA molecules को express करने की बात कर. Then, so अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो bioinformatics है उसकी applications आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी. Computer technology to the management of बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और किसको मर्ज किया है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को मर्ज किया है. सो ट्रांसक्रिप्टोम की अगर बात करते हैं, इट रेफर्स टू द फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू प्री पैकेज्ड आइटम्स इन इंडिया, इट इज मैंडेटरी टू द मैन्युफैक्चरर टू put which of the following information on the main label as per FSSAI, that is Food Safety and Standards Regulations 2011. अब आपको बताना है कि अगर packaged items आपको देखते हैं तो उस label पे क्या-क्या mandatory होना ही होना चाहिए. So first है, that is list of ingredients including additives. Second है, nutritional information होनी चाहिए. थर्ड है, recommendation if any made by the medical professional about the possibility of any allergic reactions. Next आता है fourth, vegetarian or non-vegetarian. आपको बताना है correct answers कौन से. तो आपको बताना है कि जब भी आप एक कोई packaged item लेते हैं, उस packaged item में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है और जो कि mandatory. ठीक है? So आपको बताना है correct options कौन सी हैं. So it is 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, or is it D, 1, and 4? So let's see the answer. Answer यहाँ पर बन जाता है, that is 1, 2, and 4. So यहाँ पर आपको 1, 2, and 4 compulsorily देना है, compulsorily. So vegetarian, non-vegetarian पक्का होना चाहिए. लेकिन अगर हम third की बात करते हैं, recommendation if any made by the medical professional,
सो यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैंडेटरी लिखनी ही लिखनी है किसी भी पैकेज आइटम, राइट? तो आंसर बन जाता है आपका सी, ठीक है? नेम ऑफ द फूड होना चाहिए, लिस्ट ऑफ इंग्रीडियंट्स होने चाहिए, जो भी फूड एडिटिव्स आपने यूज किए हैं उसकी डिक्लोरेशन होनी चाहिए, नेट वेट क्वांटिटी होना चाहिए, ऐसे ही आपका जो भी बैच आइडेंटिफिकेशन बैच नंबर होता है ना उस पर, तो वो भी आपका मैंडेटरी है। ऐसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर मैंडेटरी है, डेट ऑफ मेकिंग वो क्या है वो पता होना चाहिए, वेज नॉन वेज है, जहां पर आपको सिंबल देखने को मिलता है ग्रीन एंड रेड, ठीक है? वो गोला सा बना होता है ना, वो गोला सा एक्चुअली में क्या सिग्निफाई करता है कि ये वेज है कि नॉन वेज है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू सिंपल, आपका जो जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वायरसेस कैन इन्फेक्ट, फर्स्ट है बैक्टीरिया, बी सेकेंड है फंगी, थर्ड है प्लांट्स। आपको बताना है वायरसेस किस किस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, 1 and 2 only, 3 only, 1 and 3 only, और इज इट डी 1, 2 and 3। सो आंसर आपका डी बन जाता है। देखिए अगर वायरसेस की बात करते हैं ये खुद में नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन ये किसको सर्च करते हैं, होस्ट को सर्च करते हैं। सो होस्ट को सर्च करते हैं और उस पे सर्वाइव करते हैं, तो जो होस्ट बन सकता है वो इस पे सर्वाइव कर जाएंगे। सो अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया फंगी प्लांट्स तीनों ही क्या कर सकते हैं, अपनी फंक्शनिंग खुद करते हैं, तो ये होस्ट की तरह बन सकते हैं, इसलिए वायरसेस तीनों को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आंसर आपका बन जाता है डी। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं दैट विल बी रिलेटेड टू एनवायरमेंट। अब आपसे 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और एनवायरमेंट से आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और वो भी क्वेश्चंस अगेन देखिए जो करंट अफेयर्स में उस टाइम था तो वो आज भी रेलेवेंट होता है, तो इसीलिए आप यहाँ से टॉपिक्स पिक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप देखते हैं धीरे धीरे करके जो इनका प्रोपोर्शन है वो काफी ज्यादा हो रहा है। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस जो रिसेंट पेपर्स हुए 2021 के 2020 के, तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिजन अप टू 13 and 14 इवन, राइट? लेकिन अगर आप 2016 की बात करते हैं तो 6 to 7 क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिले हैं। सो जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे एनवायरमेंट का भी सेक्शन, जो पहले आपको 11 या 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे एनवायरमेंट से, वो ही आज स्ट्रेच होके 18 टू 19 जा चुके हैं। तो एनवायरमेंट का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, आज हम एनवायरमेंट को भी कवर कर लेते हैं। तो अगर हम एनवायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सो इट इज रिलेटेड टू गदगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट। बहुत ही सिंपल सा है, आप अगर आपने मेंस की तैयारी कभी भी की है तो आपने दोनों ही कमिटीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। सो कस्तूरी रंगन और गदगिल कमिटी किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन है। ए है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, सेकेंड है गंगा एक्शन प्लान, थर्ड है सी है मतलब लिंकिंग ऑफ रिवर, एंड डी जो है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो आंसर क्या बन जाता है, दैट इज डी। दोनों ही कमिटीज किससे डील करती हैं, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एजेंडा 21 के बारे में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने एनवायरमेंट की कोई भी कन्वेंशनल बुक भी पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेकंड है इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहानिसबर्ग इन 2002। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 only, 2 only, बोथ 1 and 2, और इज इट डी नीदर 1 nor 2। सो लेट्स सी द आंसर, आंसर बन जाता है आपका 1 only। एजेंडा 21 आपका एक ग्लोबल एक्शन है जो जहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये जोहानिसबर्ग 2002 में नहीं, ये बहुत पहले आपको देखने को मिला था। तो अगर हम एजेंडा 21 की बात करते हैं, ये नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी इंप्लीमेंटेड एक्शन प्लान है जो कि कब देखा गया था, दैट इज इन 1992, ठीक है? सो 2002 नहीं, 1992 जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको आप अर्थ समिट कहते हैं, उसमें ये निकल के आया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। अगेन करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन है, सो आपसे ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है। ए है इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई एंड मैनेज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। बी है आपके पास इट इज एन इनिशिएटिव
It is an initiative of the United Nations to offer financial incentives to developing countries to reduce greenhouse gas emissions and to adopt eco-friendly technology. See here, it is an intergovernmental agreement ratified by all the member countries of the United Nations to reduce the greenhouse gas emissions to specified levels by the year 2022. It is one of the multilateral Red Plus initiatives hosted by World Bank. सो अगेन देखिए न्यूज में क्वेश्चन था इसीलिए वहां से क्वेश्चन इसको फ्रेम किया गया है. अगर हम आंसर की बात करते हैं आंसर बन जाता है आपका ए. ये क्या है, एक तरह का इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है जो कि गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर्स में क्या करता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू क्वांटिफाई एंड देन यू हैव टू मैनेज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन. सो अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल ये डेवलप किसने किया था, दैट इज वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI and World Business Council on Sustainable Development. So, यहाँ पर जितने भी हमारी government organizations हैं और जो business leaders हैं, वहाँ पर उनको manage करने की बात करी गई थी, किसकी? That is greenhouse gases. Now, next question में move करते हैं, question number 4. Question number 4 is related with UN Red Plus program. क्या signify करता है? Number 1, protection of biodiversity. Number 2, resilience of forest ecosystem. Number 3, poverty reduction. आपको बताना है रेड प्लस प्रोग्राम क्या सिग्निफाई करता है. अब देखिए अगर आप कन्वेंशनल बुक्स पढ़ते हैं तो आपने दोनों के बारे में ही पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा रेड और एक आपने पढ़ा होगा रेड प्लस. सो यहाँ पर रेड प्लस के बारे में पूछ रहे हैं, राइट. सो आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आपने चूज करने हैं 1 and 2. बी आता है आपका 3 ओनली, सी आता है दैट इज 2 and 3 और इज डी 1, 2 and 3. तो आंसर यहाँ पर बन जाता है डी. देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को हम कैसे रेजिलिएंट बना सकते हैं उसकी बात होती है, और यहाँ पर पॉवर्टी रिडक्शन की भी बात होती है, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर बहुत से लोगों ने गलत किया था, वो क्यों किया था कि रेड प्लस एक्चुअली में किससे डील करती है, डिजर्टिफिकेशन से डील करती है. सो यहाँ पर एटलीस्ट पॉवर्टी रिडक्शन तो नहीं होगी, बट जब हम रेड प्लस की बात करते हैं तो रेड प्लस में पॉवर्टी रिडक्शन भी एक क्राइटेरिया है, राइट. सो अगर आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, सो अगर हम रेड की फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डीफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. सो जो ये रेड प्लस है इट गोज बियॉन्ड डीफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड इंक्लूड्स द रोल ऑफ कंजर्वेशन. जहां पर हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, कार्बन स्टॉक्स बनाने की बात करते हैं. Then, question number five is related to red sanders. Again, ये काफी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है. Second, it is a tree species found in the south India. It is one of the most important trees in the tropical rain forest areas of south India. So, correct statements बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2 or is it D, neither 1 nor 2. अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका बन जाता है 1 only, क्योंकि ये साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलता है. लेकिन यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं, यहाँ पर क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट होनी चाहिए. क्या होना चाहिए, दैट इज डेसिडुअस फॉरेस्ट. सो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है. तो अगर आप एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, सो ये रेड सैंडल्स आपको एक नॉन प्रेग्नेंट वैरायटी मिलती है, किसकी, सैंडलवुड की. सो ये जनरली रॉकी और हिली रीजन्स में पाया जाता है. जो ट्रंक्स होते हैं इसके स्लेंडर होते हैं और ये 20 to 25 ईयर्स लेते हैं फॉर टू बी इट डेवलप्ड, राइट. ऐसे ही ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, थॉर्नी स्क्रब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में. सो यहाँ पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट थी वो गलत हो जाती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड टू टीब, दैट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. सो अगेन ये न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था. तो लेट्स सी दी statements. First statement है, it is an initiative hosted by UNEP, IMF and WEF. Second statement है आपकी, it is a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefits of biodiversity. Third statement है, it presents an approach that can help decision makers recognize, demonstrate and capture the value of ecosystems and biodiversity. तो आपको करेक्ट आंसर्स बताने हैं 1 and 2, 3 only, 2 and 3 और इज डी 1, 2 and 3. तो लेट्स सी द आंसर. आंसर बन जाता है आपका 2 and 3.
देखिए जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, अगर आप यहाँ पर गेसिंग भी करेंगे, यहाँ पर एक इंटेलिजेंट गेसिंग से भी आप पता लगा सकते हैं कि जो मेरा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये इनिशिएटिव इनका नहीं है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। तो अगर हम टीब के बारे में बात करते हैं, जो टीब है वो क्या है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन इम्प्लीमेंटिंग दी सीबीडी प्रोग्राम। तो ये इनिशिएटिव किसका है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिए जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये उनका इनिशिएटिव नहीं है। सो इट इज फंडेड बाय यूरोपियन कमीशन, जर्मनी, यूके, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, स्वीडन एंड मैनेज्ड बाय यूएनईपी एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन 7 की बात करते हैं तो खड़ाए कैमल के बारे में पूछा गया। इट इज केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। सेकंड है इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स। थर्ड है इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब देखिए खड़ाए कैमल, अगर हम यहाँ पर वर्ड की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड विद खारा। खारा का मतलब क्या होता है, सॉल्ट वाटर, है ना। तो वहां अगर आपको इतना सा भी पता था तो ये क्वेश्चन करना आसान हो जाता, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट, राइट। सो अगर हम करेक्ट आंसर्स की बात करते हैं, 1 and 2, 3 ओनली, 1 and 3 और इज इट डी 1, 2 and 3, तो आंसर यहाँ पर बन जाता है ए, क्योंकि इसको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। सो इट कैन स्विम अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, और ये जो ग्रेज करता है, सर्वाइव करता है, वो किस पे करता है, मैंग्रोव्स। तो आप देख सकते हैं जो खड़ाए कैमल है, इट ग्रेजेस ऑन मैंग्रोव्स एंड इज टॉलरेंट टू सलाइन वाटर। ठीक है, इसको डोमेस्टिकेट हम कर सकते हैं। जनरली आपको रूरल कोस्टल रीजन में मिलता है, कच्च एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। सो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड द स्टेट बजट्स, thereby implementing the green accounting. Second hand, launching the second green revolution to enhance the agricultural output so as to ensure food security to one and all in the future. Third hand, restoring and enhancing forest cover and responding to climate change by combination of adaptation and mitigation measures. आपको बताना है correct options कौन सी हैं, 1 only, 2 and 3, 3 only or is it D, 1, 2 and 3. So let's see the answer. Answer आपका बन जाता है, that is C, 3 only. क्योंकि यहाँ पर ये इनकॉर्पोरेटिंग ग्रीन अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रीन इंडिया मिशन की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीन अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाना, तो ऐसा भी ग्रीन इंडिया मिशन में कुछ नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने की बात करें, तो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में अगर आप देखेंगे, सो ग्रीन इंडिया मिशन क्या है, 8 मिशन्स में से एक मिशन है किसका, एनएपीसीसी का, जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में, जहां पर हम प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने की बात करते हैं किसके, दैट इज फॉरेस्ट कवर। ठीक है, सो अगर आप देख सकते हैं ये एक होलिस्टिक व्यू देता है ऑफ ग्रीनिंग एंड फोकसिंग ऑन मल्टीपल इकोसिस्टम। सो यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स हैं, दे आर नॉट द एम्स ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। नाइन्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, आपको बताना है टर्मिनोलॉजी और उसके ओरिजिन के बारे में। सो नेक्स्ट वन कंट्रीज कार्टेजिना प्रोटोकॉल, सेकेंड CERs, that is Certified Emission Reductions, जो Nagoya Protocol में है, CDM, that is under Kyoto Protocol. So again, protocols के बारे में है, बहुत ही basic सा question है, अगर आपने convention, international conventions पढ़ी है, तो ये question आप easily कर पाएंगे। First and second, मतलब 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, or is it 1, 2 and 3? So let's see the answer, answer बन जाता है आपका C, that is 3 only, क्योंकि जो CDM है, वो किससे related है, Kyoto Protocol से related. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो CDM है वो मल्टीलेटरल ट्रीटी है अंडर UNFCCC, और ये क्योटो प्रोटोकॉल में एक मिटिगेशन इंस्ट्रूमेंट की तरह हम यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे CDM में इट डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द प्रोटोकॉल अलाउज अ कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन और एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पर एनेक्स बी पार्टीज आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही क्योटो प्रोटोकॉल में ही आपको क्या देखने को मिलता है, CERs, that is certified emission reductions. So annex 1 parties भी किससे related है, क्योटो प्रोटोकॉल से ही related है, इसीलिए जो आपकी first two statements हैं वो गलत है। 10th question पे move करते हैं। 10th question है GIAHS से, that is globally important agricultural heritage system. ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अगेन करंट अफेयर्स में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, सो अगेन अभी तक ये रेलेवेंट है।
It provides modern technology, training in modern farming methods, and financial support to local communities of identified GIAHS so as to greatly enhance their agricultural productivity. Second head, to identify and safeguard eco-friendly traditional farming practices and their associated landscapes, agricultural biodiversity, and knowledge systems of the local communities. Third statement head provides geographical indication status to all the varieties of agricultural produce in such identifies GIAHS. So, aapko correct options batani hai, 1 and 3, 2 and 3, or is it D, 1, 2 and 3. So, yahan par agar hum GIAHS ki baat karte hain, to option ban jata hai aapka 2. तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर GIHS में एज सच कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात नहीं की गई है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने की भी कोई बात नहीं है, तो इसीलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाती है। तो बचा क्या आपका, दैट इज टू ओनली, क्योंकि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम सदियों से करते आ रहे हैं, जो हमारे कल्चर का हेरिटेज बन चुका है, उसको स्पेसिफिकली ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, तो वहां पर कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात नहीं की गई, सो इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो जो इट विल नॉट प्रोवाइड एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, सो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे ही थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। 11th क्वेश्चन में मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंडियन ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। सो ए है सैंड डेजर्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया, बी है हायर हिमालयस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सी है सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात, और इज डी वेस्टर्न घाट। सो अगर हम ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की बात करते हैं, ये नेचुरल हैबिटेट इसका कहां पर पाया जाता है, दैट इज डी इन वेस्टर्न घाट। ठीक है जी, सो अगेन ये बहुत बारी अब तो पढ़ चुके हो गया कि अगर हम ग्रेट हॉर्नबिल की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज रिलेटेड टू यूएनसीसीडी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। Second statement, it has special or particular focus on South Asia, North Africa region, and its secretariat facilitates the allocation of major portion of financial resources to these countries. Third, it is committed to bottom-up approach, encouraging the participation of local people in combating the desertification. So, aapko correct answers batane hain, 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3, or is it D, 1, 2 and 3. So if we see the answer आपका बनता है 1 and 3, क्योंकि अगेन यहाँ पर कोई financial resources या financial assistance की बात नहीं की गई है, UNCCD की बात है, तो यहाँ पर हम desertification को combat करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर bottom approach देखने को मिलेगी, ऐसे ही एक effective action है जिससे हम क्या कर सकते हैं, desertification को reduce कर सकते हैं। तो अगेन देखिए explanation आप देख सकते हैं, इसको establish कब किया गया था, 1994 में, ये याद रखना है। दूसरा क्या है, the convention addresses specifically and the arid, semi-arid and dry sub-humid areas. तो as such ये कोई भी continent specific नहीं है, ये क्या है, जहां पर भी arid या फिर semi-arid, dry regions exist करते हैं, वहां पर ये जो organization है वो काफी ज्यादा active होती हुई दिखती है। अब सबसे important part क्या है इसका, जो UNCCD है ये एक legally binding, it is the sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management. So, ये legally binding आपको यहाँ पर targets देखने को मिले। Then, next question पर move करते हैं, question number 13. Question number 13 is related to INDCs, that is intended nationally determined contributions. So, ये क्या है, उसके बारे में आपसे definition पूछी है। A, pledges made by the European countries to rehabilitate refugees from the war affected in the Middle East. B, plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change. C, capital contributed by the member countries in the establishment of Asian Infrastructure Investment Bank. Or is it D, plan of action outlined by the countries of the world regarding sustainable development goals. So, agar hum intended determined contributions ki baat karte hain, to yahan par hum, we need to combat the climate change. So, har country apne nationally determined contributions ko set karta hai, और वॉलंटरली बेसिस पे उसको उस टारगेट को अचीव करने की बात करता है, राइट। सो INDCs की सिंपल डेफिनेशन पूछी गई, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन
In the cities of a country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of AQI, that is air quality index? So, पहला है air quality index में कौन कौन से gases हैं? अब तो ये question करना बहुत ही आसान है. उस time ये काफी ज्यादा news में था, इसीलिए ये question पूछा गया. तो first है that is carbon dioxide, B है carbon monoxide, third है that is nitrogen dioxide, fourth है sulfur dioxide, fifth है methane. आपको बताना है कौन कौन सी गैसेस को मॉनिटर किया जाता है इन ए क्यू आई. सो 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 4, 5, or is it D 1, 2, 3, 4, 5. सो देखो अगर यहाँ पर हम ए क्यू आई की बात करते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है. सो इसलिए आप कार्बन डाइऑक्साइड को इलिमिनेट कर दीजिए. जहां पर आपको इलिमिनेशन ये देखने को मिलेगी वहां पर आपका आंसर आ जाएगा. तो आंसर क्या बन जाता है, दैट इज 2, 3, and 4, ठीक है जी. सो यहाँ पर आप इसको इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, डन. सो अगर हम ए क्यू आई की बात करते हैं, सो ए क्यू आई की 6 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर. जैसे ही पुअर से वेरी पुअर जाता है, आपको पता है यहाँ पर सीपीसीबी एक्शन में आ जाता है और वहां पर आपको ग्राफ एनसीआर रीजन में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है. सो यहाँ पर 6 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं. अगर यहाँ पर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो 8 पोल्यूटेंट्स हैं, जहां पर PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड देखने को मिलते हैं. ऐसे ही आपके लिए एक क्वेश्चन है, नाक्स में नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्ट्रक्चर, इसमें आपको कितने टाइप की गैसेस मॉनिटर करते हुए दिखते हैं. सो इट इज 8 + 4, ये 8 तो है ही है, ये 4 कौन कौन सी हैं वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. डन. सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू 2016 प्रीलिम्स, जहां पर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को कवर. थैंक यू वेरी मच.